फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुक्तेश्वर। आप सभी का मुक्तेश्वर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम लोग अंगीठी बना रहे हैं, तो उससे आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। अभी हाथ धोए थे मैंने। ये ऊपर पानी क्यों आ गया थोड़ा थोड़ा? वो वैसे मिलाएंगे तो ठीक हो जाता। फिर से पुराने जमाने में जा रहे हैं हम। पहले चलती थी ना अंगीठियाँ, पहले कच्चे कोयले की नहीं, पक्के कोयले की चलती थी और लोग लगाते थे। हमें तो याद है, हमारे मोहल्ला हुआ करता था, ईस्ट पटेल नगर के पास एक रंजीत नगर जगह थी, वहाँ पे सब लोगों की सुबह सुबह अंगीठियाँ जलती थी और किसी का धुआं किसी के घर में जाता था तो वो चिल्लाते थे, इधर मुंह करके क्यों रखा है। लेकिन फिर भी प्यार बहुत था और ये पुरानी चीज़ें करने में बहुत ही मज़ा आता है, हमारे पूर्वज जो करते थे। लेकिन इसके लिए प्रॉपर समय चाहिए और शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास समय की बहुत कमी है। हमें तो भोले शंकर का आशीर्वाद है कि समय और स्थान दोनों अच्छे दे दिए हैं, खूब खुल के जी रहे हैं और ये वाली लाइफ का मज़ा ले रहे हैं, विलेज लाइफ का। देखो हो गया। हो गया। कितना मोटा है करना है इसको? बहुत ज्यादा नहीं। ये बीच में एक पत्थर आया। थोड़ा सा और अगर गाढ़ा होता ना ज्यादा बढ़िया रहता। क्या होता? गाढ़ा। ये लमके ना बस, वो है अभी भी। एक बार मैं जब छोटा था ना बचपन में, तो एक छोटी सी मैंने वो ली थी, वो डब्बी थी लोहे की, उसमें अंगीठी बनाई थी खुद और इतनी इतनी सी कटोरियों में चावल बॉयल किए थे मैंने और सब्जी बनाई थी, मुझे याद है आज भी। बहुत ही छोटा था तब मैं। बचपन में तो सभी ने ये, मतलब हम लोगों की जो जनरेशन है, उसने तो खैर ये सब काम किए हुए हैं। खिलौनों से खेलना। हाँ, आजकल के बच्चे अब ये सब चीजें, आजकल मोबाइल आ गया ना। लेकिन उनको अभी भी अगर ये चीजें कराओ ना तो इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है ना। हाँ। दोनों सर्विस में मदर फादर, और काम ऐसा है आजकल तो MNC में की कंपनियों में टाइम नहीं होता, बच्चों टाइम नहीं है और इतना पूरा निचोड़ लेते हैं। ठीक है इतना। अब इसको थोड़ा सा सूखने देंगे। सूखने दो, थोड़ा सा, हल्की सी भी धूप लग गई ना। थोड़ा, मैं कह रहा हूँ ये ना हल्की और टाइट होनी चाहिए थी मिट्टी। दोस्तों, मैंने जो मिट्टी लगाई थी ना वो निकाल दी, क्योंकि वो थोड़ी सी वो ढीली ज़्यादा थी तो उससे लटक रही थी नीचे। और ये अंगीठी देखो, मैंने अंगीठी भी ठीक से आपको दिखाई नहीं, ये है अंगीठी, अच्छी सॉलिड है, भारी है, दिल्ली से लाए थे हम लोग। और ये यहाँ पे है नीचे कट, बढ़िया सी अंगीठी हो जाएगी हमारी तैयार, बस थोड़ी मिट्टी और डालते हैं इसमें। रश्मि मिट्टी ले आई है और आटा गूंदते हैं ना, जैसे ऐसे गूंदनी पड़ रही है। अब सही हुई है। इसमें ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये हैंडल है, कहीं ले जानी है उठा के ले जाने में इजी है बहुत ज्यादा। हाँ। और अच्छा सॉलिड बना रखा। हाँ, नहीं अच्छी तो बनी, क्वालिटी अच्छी है। ये कुमार से लाए थे तुम? नहीं, जो लोहार होते हैं ना। ओ हाँ, लोहार से। कुमार कह रहा हूँ, लोहे का तो लोहार ही करते हैं काम, लोहार से लाए थे। ये मेरा बेटा और ये गए थे दिल्ली में और ढूंढ ढांड के लाए थे मायापुरी से लाए थे। ए मिकू, आजा आजा, दिया तो था खाना, कितना खाएगा तू? अभी देंगे और देंगे। अभी दूंगी। अब कुछ कंसिस्टेंसी हो गई, अब ठीक। देखते हैं, अगर ढीली लगी तो फिर और डाल देंगे। लग तो रहा है कि अब अटक रही है। नहीं, हो जाएगी अब। सही हो रही है।
हाँ रुकी हुई है। पहले थोड़ी थोड़ी वैसे लग गई ना, तो उसके बाद फिर इसको प्लेन कर देंगे। देखो चौड़ी तो बता रही है, नहीं इतनी बहुत है। थोड़ी देर पड़ा रहने दे इसको, फिर आठर जाएगी ना। हाँ, फिर ऊपर जो थोड़ा लगाना है ना वो ऊपर फिर लगेगा। धूप आई हुई थी, धूप में सूख जाती है, बादल आ गए हैं। यहाँ पता नहीं चलता ना पहाड़ों में किस टाइम बारिश है किस टाइम धूप है। अब बढ़िया सी लग गई है मिट्टी, और इसको थोड़ी देर अभी छोड़ देते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है ना वो बाद में लगाएंगे, थोड़ा अटक जाएगा ना ये, नहीं तो फिर लटक जाएगा ये। एक लेयर ऊपर की बाद में लगाते हैं इसमें। इसको देखो जरा क्या मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। सही बन गया। हाँ चलो सूखने देते हैं थोड़ा। हाँ तो सूखने दो इसको, तो पड़ा रहने दो ये ना। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर का बाद में लगाएंगे, और ये हो गया है बढ़िया सर रेडी। थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा सेट हो गया है ये। अठर गया पंजाबी विच कहंदे ने, अठर गया, अठर गया। अब इसके ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है ना उसको कर देते हैं। अभी तो यहाँ यहाँ तक लाओगे ना लेवल के लिए। हाँ उसके बाद वो बनेगा। ज्यादा सूख गया क्या? नहीं नहीं बीच में तो पानी हुआ। अच्छा कुमार बन गए हम, मतलब बहुत टाइम से इच्छा थी कि अंगीठी पे कुछ बनाना है। देखो तंदूर का हो गया हमारा, चूल्हे का हो गया हमारा, गैस पे तो होता ही रहता है काम। ये एक चीज थी जो बहुत टाइम से मिसिंग थी हमारी। बढ़िया बन गई है, जो हमने बचपन में बहुत अपने टाइम पे बहुत यूज करी। देखो कहीं कम ज्यादा है तो उसको लगाऊं फिर प्लेन? नहीं नहीं प्लेन ही करना है अब। इधर थोड़ा सा लगाओ। बस अब इसको प्लेन करना है। बेटा तू कहाँ बीच बीच में आ रहा है बच्चा? ए मुंगड़ सिंह ये पत्ती ये देखो जरा इसको, इतना प्यार खा ले अंगीठी, खा ले इतना प्यार। अंगीठी बनवाएगा? अंगीठी है, अंगीठी बनवाएगा। चलो ये बिना बुलाया मेहमान है हमारा पता नहीं कहाँ से आया, हमारे साथ ही रहने लग गया। हमारे जो दो छोटे बच्चे हैं वो दिल्ली में है, पर्ल और जेनी, वो दिल्ली में है तो इसने अपनी जगह यहाँ बना ली। ये देखो ऐसा ही हमारे पास पहले था एक मीका, हमने इसका नाम भी मीका ही रख दिया अब, क्योंकि वो भी ऐसी शरारत, बाद में काट देंगे इनको खींचेंगे ना तो हाँ टूट जाएगी, क्योंकि वो भी ना ऐसी शरारतें करता था मीका जैसे ये करता है। बिल्कुल सेम कलर था उसका, वो पता नहीं एक दिन बाहर निकला और वापिस ही नहीं आया, वो यहीं पे हमने पाल रखा था। वो बिल्ले कहते हैं कम टिकते हैं, कुछ दिन रहने के बाद भाग जाते हैं। बिल्ली जो है वो रुक जाती है, शैतान होते हैं ना लड़के, शैतान होते हैं। ये देखो क्या कर रहा है वो, कहाँ घुस रहे हो भाई साहब? मीका मीका इधर इधर इधर। वो कहते हैं ना कि जानवर अपने आप प्यार बट अपना मांग लेता है। अब हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको हम ना भाई ज्यादा अपने साथ अटैच करें, क्योंकि बीच में हमें दिल्ली जाना होता है तो फिर ये कैसे रहेगा यहाँ, और दिल्ली इसको ले जा नहीं सकते क्योंकि जो पहाड़ों के जो जानवर होते हैं ना वो दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारा मीका भी ऐसे ही हुआ था, हम उसको यहाँ से दिल्ली ले गए और वो वहाँ जाके बीमार पड़ गया, फिर हम उसको यही ले आए थे। तो हम कहीं जाते भी थे तो अपने पड़ोस में उनको उसको छोड़ के जाते थे और उसका खाना वगैरह सब रख के जाते थे। ठीक है इतना? हाँ सेम हाइट होनी चाहिए अब इसका थोड़ा और ऊंचा करूँ क्या? नहीं 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 बिल्कुल, साइड से भी हवा जाने का थोड़ा होना चाहिए। तो साइड से तो जाएगी, ये इतना हाइट पे है, इसके ऊपर बर्तन आएगा तो अपने आप ही जगह है। ये देखो लड्डू बनाया मैंने, लड्डू को यहाँ टिका दूंगा। दोस्तों काफी मेहनत के बाद हमारी अंगीठी हो गई है रेडी। थोड़ी सी अभी भी मिट्टी रह गई थी ढीली, बट लग गई है तो इसको सूखने के लिए रख देंगे तो बढ़िया सी हो जाएगी, और इसकी फिनिशिंग करेंगे बाद में जब ये सूख जाएगी तो पतली सी मिट्टी का लेप लगा के इसकी पूरी फिनिशिंग हो जाएगी, और देखने में तो बहुत मस्त लग रही है अंगीठी ये तो ऐसे हो गए जैसे हम ही ने पाल रखा हो ना, इनको भी पता चलता कौन प्यार करता है कौन नहीं करता। टांगों के बीच में से कभी निकल रहा? कभी नहीं 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 मेरे पीछे पीछे नहीं।
ये देखो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं आ रहा है। आ जा आ जा मिका आ जा। हाँ मिके क्या है? कभी कुर्सी को इधर करता है, कभी उधर करता है, है बनवारी लाल। ये देखो अब उधर गया। कभी रश्मि के पास जाता है, कभी मेरे पास आता है। आ जा आ जा। हाँ डर भी लगता है ना अभी थोड़ा। हाँ चलो जाओ जाओ अपने घर। पता नहीं कहाँ से आया, समझ ही नहीं आ रहा। अरे कहाँ से आया तू, जा अपने घर भाई। पहली बार आया ये सुबह से और यहीं जम गया। हाँ कहाँ बात है बेटा, कहाँ तो बीच बीच में दिल्ली जाना होता, रख नहीं सकते। तू कहाँ जाएगा? हम दिल्ली जाएंगे या घूमने जाएंगे फिर कहाँ जाएगा अगर हम रख लें? खाना दे दिया, खाना ले जाया कर बस। खाना दे दिया करेंगे, खाना दे दिया करेंगे तेरे को। ब्रेड दूध मिलेगी रोज, ठीक है। आज हम लोगों ने हर्ब्स सुखाए हैं, हर्ब्स जो हमारे यहाँ काफी मात्रा में हो रखे थे, जैसे ये अश्वगंधा है और यहाँ पर ये रोजमेरी सुखाई हुई है। दोनों ही बहुत अच्छे हर्ब्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर, और ये तो मसालों की तरह भी यूज होता है रोजमेरी, और ग्रीन ग्रीन टी में डालो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लेमन ग्रास अभी कम है, लेमन ग्रास भी लगी है वो भी सुखा लेंगे फिर। ये पुदीना, लाल मिर्च, तो आजकल थोड़ा जैसे बादल कम आ रहे हैं तो ये ड्राई हो जाएंगे अच्छे से, धूप निकलती है आजकल। खुशबू बहुत ही लाजवाब है रोजमेरी की। ये जो है पिज्जा वगैरह में भी काफी यूज होता है, बाहर की कंट्रीज में काफी यूज होता है ये हर्ब। इंडिया में कुछ लोग इसको नॉन वेज में भी यूज करते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। आजकल रश्मि जो है ना सेहत का अच्छा ध्यान रख रही है हमारा, वो कुछ चार पांच चीजें भिगोती है आजकल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, वो काफी बेनिफिशियल हैं। तो चल के देखते हैं, रश्मि आ चुकी है। देखे रश्मि की रसोई से क्या नाश्ता पानी निकला है 11 बजे का, जो होता है एज यूजुअल 11 बजे वाला। लेकिन आज मैंने उसमें फ्रूट इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आज आपने नाश्ता लेट किया था। अच्छा नहीं सही किया, आज थोड़ा उतनी भूख भी नहीं है। और ये नीचे मैं गया था ना, ये सारे कांटे चिपक गए हैं इसमें। कांटे मतलब वो झाड़ी सी होती है, वो उसके पास से निकलोगे तो वो सारे छोटे छोटे से आपके चिपक जाएंगे पैंट में। आप ही बताओ ये क्या क्या लाए हो? एक तो है अखरोट, दूसरा है बादाम, तीसरा है बीज तरबूज के, और ये है चिया सीड। और इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध डाला है और थोड़ी सी खांड डाली है। अब थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि ये सामान मैं लेके आया था तो बीच में थोड़ी गलती कर दी रश्मि ने। क्यों क्या है इसमें? ये तरबूज के नहीं है सीड्स, फिर ये पंपकिन के सीड है। अच्छा पंपकिन सीड है, मुझे लगा तरबूज के। ये देखो ये थाली बनाई है रश्मि ने, मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये चिया सीड्स की खीर, इसका भी बताएंगे कैसे बनती है। और ये है अखरोट, बादाम और पंपकिन सीड्स। इसको कुक नहीं करना पड़ता, ये चिया सीड्स की खीर और इतनी टेस्टी बनती है। अगर आपने कभी गूंद कतीरा खाया हो तो बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे गूंद कतीरे की खीर हो। इसको करना क्या है कि ओवरनाइट भिगो दो, एक एक चम्मच, दो जने हैं तो दो चम्मच, और भिगोने के बाद इसमें जो पानी होता है वो खुद ही ये सोख करके और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है गूंद कतीरे की तरह। इसमें थोड़ा सा मिल्क मिलाओ, लगभग 4-5 टीस्पून मिल्क मिला लो, और हल्की सी शक्कर डालो तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चीनी मत यूज करो इसमें, जब हेल्दी चीज खा रहे हैं तो हेल्दी डाइट लो सारी। या तो खान डालो या फिर डालो ही मत। हाँ और इसका टेस्ट एक बार फिर मैं आपको खा के बताता हूँ। बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे कुक करके खीर बनाई हो साबूदाने की।
साबूदाना या वो जो वर्त में बनती है, कौन से होते हैं, स्वांग के चावल, स्वांग के चावल या गूंद कतीरा, तीनों का मिक्सचर सा लग रहा है और बहुत टेस्टी है और हेल्थ के लिए रामबाण है। ये जो चीजें हम खा रहे हैं ये सीनियर सिटीजन को जरूर लेनी चाहिए डेली। इससे एक तो विटामिन की कमी नहीं होगी, बिल्कुल विटामिन भरपूर है चिया सीड्स के अंदर, प्रोटीन मिलेगा आपको, विटामिन्स मिल गए और कैल्शियम है इसमें। ये जो आप पम्पकिन सीड्स खाते हैं इसमें कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा। और जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनके जैसे हड्डियों हड्डियों में दर्द रहता है तो इससे उसमें भी रिलीफ मिलता है, जितनी भी पेन्स होंगी उसमें रिलीफ मिलता है ये पम्पकिन सीड खाने से। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूँ जो मुझे नॉलेज है। वैसे तो आप लोगों को भी मालूम होगा ये सब चीज़ें, फिर भी कुछ लोगों को मालूम नहीं होता तो बताना ज़रूरी है। तो करते हैं शुरुआत इस हेल्दी से 11 बजे के ब्रेकफास्ट की। लाइट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो नहीं कह सकते इसको, कह सकते हैं हेल्थ डाइट, हेल्थ डाइट की। और आजकल ना मेरे को थोड़ा रात को नींद देर से आ रही है, उसका एक रीज़न मैंने अभी अभी नोटिस किया कि मैं 5-6 दिन से अपना ना जो ये मेहनत वाला काम है ना वो नहीं कर रहा था, रश्मि अकेले कर रही थी। तो रश्मि को तो बराबर बढ़िया नींद आ रही है क्योंकि मैं मोबाइल में और इसमें लगा रहा ना 4-5 दिन, तो उससे जो है ना नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। तो आज से मैंने सोचा है कि कम से कम 2 घंटे जो है ना मेहनत का काम जरूर करना है। ये 4-5 दिनों में मेरा रूटीन खराब होने से मेरे को काफी प्रॉब्लम हुई। कल रात को मेरे को नींद आई लगभग 4 बजे के आसपास, पूरी रात में 4 बजे। फिर मैं उठा हूँ लेट 9 बजे और उठते ही फिर नाश्ता करना पड़ता है क्योंकि आगे फिर लंच का टाइम हो जाता है, हम उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते अपने डाइट प्लान को। तो वो मैंने सोचा है कि कुछ मेहनत का काम बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ आके इसीलिए सेहत ठीक रहती है क्योंकि यहाँ मेहनत के काम करने पड़ते हैं। तो रश्मि तो अपना मौज कर रही है, बढ़िया नींद ले रही है, तुमने पूरा दिन काम मेरे को करने नहीं दे रही थी। अब मैंने इसको बोला है कि मेरे को भी मेहनत का काम में हाथ जरूर बटाने दे। वो तो मैं इसलिए नहीं मना कर रही थी कि अभी थोड़ी वीडियोस की एडिटिंग ज्यादा जरूरी थी। ये तो है, मगर अब ये देखा है कि एडिटिंग से ज्यादा जरूरी अपनी सेहत है, तो पहले सेहत फिर एडिटिंग। दोस्तों आज के व्लॉग में हमने जो हेल्थ टिप्स दिए हैं उम्मीद है आपके काम आएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।